हाय फ्रेंड्स, और आज हम बात करेंगे जेनिथ और चेल्सी के बीच में जो चैंपियंस लीग का मैच है। देखिए, ये ग्रुप के मायने अभी भी बहुत है, बिकॉज इसमें जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन है वो सेटल्ड नहीं है, बाकी सारी पोजीशन सेटल्ड है। जेनिथ इसमें ऑलरेडी थर्ड आ चुका है, और इसमें जो भी यूवेंटस का जो मैच अपना मेलबो के साथ, और यहाँ पर चेल्सी जो मैच ये जीतेगा वो मैच वो टीम ऊपर आएगी। अगर चेल्सी और यूवेंटस का एक जैसा रिजल्ट आया तो चेल्सी नंबर 1 पोजीशन पे फिनिश करेगी, क्योंकि उनका और यूवेंटस का हेड टू हेड में चेल्सी बेटर खेली है। तो देखिए, इस मैच में दोनों टीम्स काफी अच्छा खेलेंगी, लेकिन हमें लगता है कि चेल्सी इसमें डिफेंसिवली बहुत रेजोल्यूट टीम उतारेगी और 1 या 2 गोल से ये गेम जीतने की कोशिश करेगी। तो जो प्रेडिक्टेड स्कोर रहेगा इस मैच में 1-0 या 2-0 रहेगा। तो चलिए, यही देखकर हम लोग टीम बनाते हैं। उसके लिए हम आपको बताएंगे कौन से प्लेयर स्टार्ट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, कौन से प्लेयर इंजर्ड है, कौन से प्लेयर डाउटफुल है, कौन से सस्पेंडेड है, और वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के दौरान देंगे। तो देखिए, अगर हम गोलकीपर्स की बात करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मेंडी जो है वो चेल्सी के लिए खेलेंगे, लेकिन जो क्रिस्युक जो कीपर है जेनिथ के, वो नहीं होंगे इस गेम का हिस्सा, क्योंकि वो सस्पेंडेड है, और उनका नॉट सस्पेंडेड, वो इंजर्ड है, उनकी इंजरी हुई है, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो वो कुछ महीनों के लिए बाहर है, उनका रिकवरी फेज चलेगा। तो उसमें कैर्ज़ाकॉप जो है वो रहेंगे एज अ गोलकीपर, जो इस गेम में स्टार्ट करेंगे। डिफेंसिवली अगर हम बात करें, देखिए इस गेम में क्योंकि चेल्सी के ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम्स रहेंगी, मैं उनके इंजरीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर लास्ट मैच जो इनका वेस्ट हैम से हुआ था जिसमें चेल्सी हारी थी, उसमें मार्कोस अलोंसो भी थोड़ी देर के बाद चले गए थे इंजरी के कारण, तो इस वजह से मार्कोस अलोंसो इसमें अवेलेबल नहीं होंगे, और ये एक काफी बड़ा ब्लो है। चलो बात ऑलरेडी इंजर्ड है, बेन चिलवेल भी ऑलरेडी इंजर्ड है, तो थोड़ा सा क्राइसिस आप कह सकते हो डिफेंसिवली चेल्सी को है, लेकिन हमें लगता है कि उनकी जगह पर रीस जेम्स, जिन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है प्रीमियर लीग में भी, 4 गोल 4 असिस्ट किए हैं, और रुडिगर जो एक सेंट्रल बॉयर है जिनके सबसे ज्यादा इंटरसेप्शन है चेल्सी के लिए, और साथ में क्रिश्चियनसन जो आगे खेलते हैं, ये तीनों प्लेयर स्टार्ट करेंगे। और इन तीनों को टीम में सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लाइनअप अनाउंस करने के बाद अगर एस्पिलिक्वेटा भी स्टार्ट करते हैं तो हमें इनके लिए भी टीम में जगह बनानी पड़ेगी। वहीं पर हमने रैकेट्सी को लिया है। देखिए, ये जेनिथ के सबसे बेटर डिफेंडर है, इन्होंने 1 गोल और 2 असिस्ट ऑलरेडी चैंपियंस लीग में कर दिया है, और इन्होंने 12 इंटरसेप्शन भी किए हैं, तो प्लेयर स्ट्रांग है, काफी अच्छा खेल रहे हैं, तो इनको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। मिडफील्ड की अगर आप बात करें, देखिए हकीम ज़ियेश का एक अच्छा फुटबॉलिंग फेज चल रहा है इस समय वापसी में, जो वो लास्ट सीजन से बेटर सीजन खेल रहे हैं। अगर आप इनके मैचेस भी देखिए मेलबो के साथ, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया था, 1 गोल किया था, बड़े सारे चांसेस क्रिएट किए थे। वहीं पर यूवेंटस के साथ इन्होंने 1 गोल असिस्ट किया था, तो लास्ट के दोनों चैंपियंस लीग गेम्स में इन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया, और हमें लगता है कि वो इस गेम में भी एक क्रिएटिव फोर्स की तरह खेलेंगे, स्पेशली जब इतनी सारी इंजरीज हैं, इतने सारे प्लेयर्स हैं जो अनअवेलेबल है, तो हमें लगता है हकीम ज़ियेश की जो पोजीशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी चेल्सी के जीत के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें मेसन माउंट की, तो देखिए मेसन माउंट हम अभी नहीं सिलेक्ट कर रहे, हमें नहीं पता वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि पिछला मैच भी पूरा खेले थे और धीरे इंजरी से वापस आए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो शायद हमें देखना पड़ेगा लाइन ऑफ अनाउंस होने के बाद वो खेलते हैं कि नहीं, तो उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। यहीं पर हम क्लॉडिनियो की बात करें, देखिए क्लॉडिनियो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, चैंपियंस लीग में भी इन्होंने 1 गोल और 1 असिस्ट किया है अभी अपनी टीम के लिए जेनिथ के लिए, और काफी बढ़िया खेलते हैं। आगे इनकी एसमोन हो गए, अडजुबा हो गए, ये सारे प्लेयर्स हैं जो काफी ज्यादा आगे खेलते हैं, काफी स्ट्रांग खेलते हैं, तो हमें लगता है कि ये डेफिनेटली यहाँ खेलेंगे। वहीं पर बैरियोस की बात है, देखिए बैरियोस यहाँ मिडफील्डर है, लेकिन क्योंकि जेनिथ के पास भी डिफेंसिव क्राइसिस है बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड सस्पेंशन, तो हमें लगता है कि बैरियोस पीछे खेलेंगे। अगर बाई चांस जेनिथ की क्लीन शीट आती है तो बैरियोस आपको दोनों पॉइंट दे सकते हैं, मिडफील्ड के भी पॉइंट दे सकते हैं और सेंटर बैक के भी पॉइंट दे सकते हैं। काफी टैकलिंग में सबसे आगे हैं, इनके 11 टैकल 11 इंटरसेप्शन और 8 टैकल हैं अभी तक, और काफी काफी जबरदस्त प्लेयर है, तो इसलिए हमने लिए। वहीं पर मेलकॉम का भी हमने लेने का सबसे बड़ा पर्पज है कि मेलकॉम ने भी 1 गोल स्कोर किया है, मेलकॉम इनके अटैकिंग प्लेयर हैं, तो ये भी आगे खेलते हैं, तो अगर होम टीम चढ़कर खेलेगी तो इन प्लेयर्स को पॉइंट्स बनाने के काफी मौके मिलेंगे। यहीं पर हम आगे बात करें, देखिए हमने अभी लुकाकू को लिया, देखिए लुकाकू धीरे धीरे ही इज ईजिंग इन टू द टीम। लुकाकू की आप बात करें तो हम सब जानते हैं कि कितने दिग्गज खिलाड़ी हैं, इस बार ट्रांसफर होके आए हैं, और बहुत ही
बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन इस सीजन थोड़ा अप एंड डाउन रहा है। पहले दोनों प्रीमियर लीग गेम्स में गोल स्कोर किए थे, उसके बाद फिर चार पांच गेम्स में स्कोर नहीं किया, फिर इंजर्ड हो गए। हमें लगता है कि इस क्लास के प्लेयर को ज्यादा टाइम आप चुप नहीं रख सकते। हमें लगता है कि अगर इस गेम में ये स्टार्ट करेंगे तो पक्का ये एक या दो गोल डेफिनेटली करेंगे। वहीं पर हमने डायजूबा को लिए, हमें लगता है डायजूबा स्टार्ट करेंगे एसबॉन की जगह। और डायजूबा के साथ क्या है, भले ही इसमें इन्होंने यहां पर सिर्फ एक असिस्ट किया हो, लेकिन डोमेस्टिक लीग में 10 गोल कर चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, वन ऑफ द बेस्ट है जेनिट के लिए, रशियन लीग के भी टॉप क्लास टैलेंट है। तो हमें लगता है कि ये एक आइडियल मैच रहेगा, क्योंकि ये चाहेगा जेनिट की इस गेम में विदाउट एनी प्रेशर बढ़िया परफॉर्मेंस दे और चेल्सी के अगेंस्ट एक दो गोल कर सके। अगर ऐसा हुआ तो डायजूबा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। देखिए ये टीम अभी हमने बनाई है, हमें लगता है चेल्सी का डिफेंस रेजोल्यूट रहेगा, इसलिए हमने रीस जेम्स को कैप्टन रखा है। क्योंकि रीस जेम्स अगर आपने देखा हो तो बीच में खेलते हैं, 3-5-2 चेल्सी की फॉर्मेशन रहती है, और जो मिडफील्ड एक्सटेंडेड मिडफील्ड है विंग बैक वाली, वहां पर रीस जेम्स और क्रिस्टेंसन शायद खेलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों के पास बहुत मौके आएंगे अटैक्स बनाने का, और हमें लगता है जिस टाइप से चेल्सी जिस स्ट्रक्चर से खेलती है इन दोनों प्लेयर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो इस टीम में जो भी चेंजेस हो, अगर कुछ होते हैं, तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके कंटेंट को जरूर शेयर कीजिए, और बाकी भी ड्रीम 11 टीम्स के लिए हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।